से बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मुझे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाघा बॉर्डर देखने जाना चाहिए, तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ वाघा बॉर्डर देखने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पंजाब के अमृतसर। तो इसके पहले मैंने राजस्थान की बॉर्डर देखा ही, राजस्थान के बाद अब मैं पंजाब की बॉर्डर वाघा बॉर्डर, जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर है, और वहाँ पर जाता हूँ। तो अमृतसर आने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाती है, जैसे कि सरदार जी यहाँ पे मुझे मिल गए और 150 रुपये में मुझे यहाँ से ले जाएंगे बॉर्डर तक और फिर वापस भी लाएंगे। गुरुद्वारे से जस्ट बाहर निकलते ही आपको टैक्सी स्टैंड पे ही मिल जाते हैं ना सरदार जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या टाइम होता है जाने का? जाने का 2 बजे का टाइम है, 3 बजे गेट खुल जाता है, 5 बजे शहरा में नहीं चालू है, 5:30 खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद लौटेंगे इधर वापसी हम। तो मतलब वापस आते आते 7:30-8 बज जाते हैं। तो यही कुछ प्लान है, अब चलते हैं जल्दी से वहाँ पे और आपको दिखाते हैं बॉर्डर की सारी एक्टिविटी। और सामने पाकिस्तान बॉर्डर है और इस तरफ इंडिया, और फौजियों का जो रिट्रीट सेरेमनी होता है वो देखने को मिलेगी। तो चलते हैं बॉर्डर पे। अमृतसर से बॉर्डर का 35 किलोमीटर दूर होता है, तो अमृतसर सिटी ख़त्म होता है वैसे ये गेट आता है, उसको बोलते हैं इंडिया गेट। तो मैं दिखाता हूँ आपको गेट और एक 90 फुट ऊंची तलवार जो वॉर म्यूजियम में लगी यहाँ से दिख रही है, दिखाते हैं आपको। ये जो सामने दिख रहा है आपको ये है वो इंडिया गेट, और इस तरफ जो दिख रही है आपको ये तलवार है, ये वाली 90 फुट ऊंची तलवार है। लो जी, पाकिस्तान की तरफ जाने से पहले झंडा बनवा देते हैं, और ये जो टोल प्लाजा आता है वहीं पे है, 10-10 रुपये में बना देते हैं। चलो पाकिस्तान आ रहे हम लाहौर की तरफ। लास्ट विलेज की झलक दिखाते हैं और फिर चलते हैं बॉर्डर की तरफ। जो बोले सो निहाल। अब देखो भाई झंडे दिख रहे हैं सामने आपको। सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि सामने इंडिया है और सामने पाकिस्तान बॉर्डर है, दोनों के झंडे लगे यहाँ से दिख रहे हैं। मतलब एकदम क्लोज आ गया हूँ और जस्ट 2 मिनट के बाद हम पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई इस बोर्ड पे लिखा है लाहौर 24 किलोमीटर, इस्लामाबाद 322 किलोमीटर, और भारत पाकिस्तान 2 किलोमीटर बॉर्डर है। ओके भाई, हम लोग आ चुके हैं बॉर्डर के पास में और ये सब इधर मिलिट्री वाले खड़े हैं। तो सारियाने भी पहुंच गए हैं बॉर्डर पे। ये देखो हमारी सवारी, पूरे 7 लोग हैं हम लोग और अब जाएंगे सीधा बॉर्डर पे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे रिक्शा में उतर गए हैं पार्किंग में, और यहाँ पे थोड़ी सी लूट होती है आपके साथ में कि जो लॉकर वोकर के लिए आपको 200 रुपये लिए जाते हैं एक थोड़ा सामान रखने के लिए, वो आप नहीं लेके आओ तो अच्छा है मेरे हिसाब से। और हम लोगों ने सामान रख दिया, अब चल करके जाते हैं। यहाँ से कोई 500 मीटर या 300 मीटर के आसपास हैं, बाकी यहाँ से अगर रिक्शा से भी जाना चाहते तो भी वो साइकिल रिक्शा मिल जाती है। तो चले फिर देखते हैं। लास्ट रिक्शा यहाँ तक आती है, वो सामने बोर्ड लगा ना उस तरफ से यहाँ तक अलग रिक्शा। अब चलते हैं इधर सीधा। पर्सनल गाड़ी लेके आते ना तो यहाँ तक आ जाती है, देख लीजिए बिल्कुल बॉर्डर के ठीक पास में। और रिक्शा यहाँ उसमें बैठ के आते हैं तो आपको 200 मीटर दूर उतारेगा, वहाँ से आपको चल के जाना होता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लेट आते हैं, सेरेमनी शुरू हो जाती है सेरेमनी, तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। हम लोग तो पहले ही आ गए, तो हम जाएंगे अंदर। और यहाँ पे होती है चेकिंग, इसके बाद इस तरफ जाना है सामने, और ये ऊपर इंडिया का झंडा है, उस तरफ कहीं पाकिस्तान का फ्लैग है, उसके पीछे की तरफ है, दिख नहीं रहा है।
पूरा देखो वहाँ पे इधर उसके पीछे ये देखो क्या सख्त चेकिंग होती है भाई। ज़बरदस्त चेकिंग के बाद हम लोग आ गए अंदर। कुछ भी आपको ले जाने नहीं दिया जाता इधर। आसपास सब मिलिट्री है तो मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। ऊपर देखो तिरंगा है वहाँ पे वो ऊपर, और उधर पाकिस्तान का है वो उधर सामने की तरफ है, वो भी यहाँ से दिखता ही है। तो चले फिर आगे चल करके बात करते हूँ। आसपास पूरे मिलिट्री गनमैन सब यही है। ओके भाई, ये है स्वर्ण जयंती द्वार इंडिया का, और पूरा सामने उस तरफ पाकिस्तान फेंसिंग के उस तरफ है। ये सब इंडिया का इलाका है जहाँ पे बॉर्डर के उस तरफ है, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है, गेम वोटिंग हो रही है। हम जा रहे हैं इस तरफ अंदर। ओके भाई, हम लोगों को यहाँ से जो स्वर्ण द्वार था ना उसके ठीक आसमान से ऊपर चढ़ने का है। कुछ लोग सीधे जा रहे हैं जो VIP है वो। ओके भाई, ये मामला है कुछ। अब थोड़ी देर में प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सब लोग इधर बैठे हुए हैं, एक स्टेडियम जैसा ही लग रहा है। और हाँ, ये ज़बरदस्त सीन है यार। ये सामने पाकिस्तानी लोग खड़े, देखो मिलिट्री वाले। अभी दिखाऊंगा आपको जूम करके, फैसिलिटी पूरी है मेरे पास। पाकिस्तान के लोग मिलिट्री वाले यहाँ पे खड़े हैं, और सामने की तरफ तो कोई है ही नहीं यार। ये रहा पाकिस्तान का छोटा झंडा, और ये है बड़ा झंडा। उधर से शायद लोगों को भी एंट्री नहीं है। इंडिया के मुकाबले वहाँ पे काफ़ी छोटा स्टेडियम बना हुआ है बैठने के लिए जगह, और यहाँ पे तो देखो भाई लाखों में लोग हैं। ऊपर वाला तो अभी खाली है, नीचे वाला भर रहा है। बहुत ही बड़ा वाशरूम वगैरह सब बना हुआ है, तो वो भी आप जा सकते हैं आराम से। और ये कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ता है। अभी हम वापस चलते हैं ऊपर, और पीछे फौजी भाई तैयारी भी कर रहे थे, वो भी मैंने देखी थी।
तो अब चलते हैं ऊपर। अभी हम लोग इधर से आगे, पहले उस तरफ थे सामने की तरफ, क्योंकि वहां से पूरा व्यू नहीं मिल रहा था, तो चेंज करने के लिए हमने ऑलरेडी थोड़ा परमिशन जैसा लिया था। ये तो आपको सवाल पूछते फिर दोनों तरफ से। और अभी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, अभी तक भी जबरदस्त मनोरंजन किया। और अब मैं आपको वो फौजी दिखाता हूँ जो पूरे स्टेडियम में सब लोगों के जो मोटिवेशन है ना, सब पहुँचा देते हैं। अटारी अमृतपुर तैनात BSF के जवानों के अडिग एवं चट्टानी इरादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। BSF के जवानों के हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BSF पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ पड़े। और अब आप सभी के बीच BSF का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही थीम सॉन्ग के पीछे गुनगुनाने का प्रयास करें। एक बार पुनः सुने, आप सभी के बीच BSF का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही थीम सॉन्ग के पीछे गुनगुनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।
बस इंजॉय कीजिए, और एक लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, इंडिया के लिए जय हिंद लिखिएगा।